हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज आपके लिए मैं स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो गर्मियों से संबंधित हैं। आज बनाएंगे बनाना शेक और इतना टेस्टी और लाजवाब बनाना शेक बना के तैयार करेंगे। चलो बनाना शुरू करते हैं। बनाना शेक बनाने के लिए मैं बनाना ली हूँ एकदम पके हुए। बनाना शेक के अंदर डालने के लिए मैं ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, बादाम, काजू, किशमिश। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ियों में कट कर लेती हूँ। सभी को कट करके और फिर बनाना शेक बनाना शुरू करेंगे। पहले मैं बादाम को अच्छी तरह से कट कर लेती हूँ, फिर काजू को कर लूँगी और फिर किशमिश को कर लूँगी छोटी छोटी टुकड़ियों में कट करके, और फिर बनाना शुरू करते हैं। एकदम टेस्टी बनाना शेक बना के तैयार करेंगे। जैसे दुकान भी पी के आते हैं वैसे ना पीने वाले भी पीने लग जाएंगे और आपसे मांग मांग के पियेंगे, भाई फिर से बनाइए बनाना शेक। तो मैं बनाना को छील लेती हूँ। बनाना को छील के और मिक्सी के जार में डाल के और जूस बनाना शुरू करती हूँ। मिक्सी का जार ले लेती हूँ और मिक्सी के जार के अंदर बनाना डाल देती हूँ। शानदार टेस्टी बनाना शेक बनके तैयार होता है। मैं बनाना डाल दी हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ दूध। बनाना शेक बनाएंगे इसके लिए मैं प्योर एकदम शुद्ध वाला दूध ली हूँ, बिना मलाई उतारा हुआ दूध है, शुद्ध एकदम। चीनी डाल दी हूँ मैं, चीनी अपने स्वाद अनुसार डालना। बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल दी हूँ और अब मैं पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए बनाना शेक बनके तैयार हो गया। अब मैं छन्नी की सहायता से छान लेती हूँ। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। देखिए मैं छान के तैयार कर लेती हूँ। छानने से अच्छा रहता है कि मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, बादाम डाल दी हूँ। अब किशमिश डाल देती हूँ जो मैं टुकड़ियाँ बना के रखी थी। अब काजू डाल देती हूँ, सभी को ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे पीसने के अंदर डालते तो वो पिस जाते, इतना टेस्ट नहीं आता। अब मैं गिलास लेती हूँ और गिलास के अंदर परोस देती हूँ। मेहमान आने पर बनाइए, घर के बच्चों व बड़ों के लिए बनाइए, झटपट बना के तैयार कर लीजिए बनाना शेक। जितना जल्दी बनके तैयार होता है उतना ही टेस्टी रहता है बनाना शेक। आपका जब मन करे जब बना के पीजिए बनाना शेक। तो लीजिए बनाना शेक बनके तैयार हो गया। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। किशमिश डाल दी हूँ, आप इसके ऊपर बनाना की टुकड़ियाँ भी डाल सकते हो। काजू बादाम डाल देती हूँ इसके ऊपर। आप बनाना की छोटी छोटी पीस बना के डाल सकते हो, आपकी इच्छा हो तो इलायची भी डाल सकते हो। नवे रसोई के अंदर आपको बनाना शेक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।